हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप और मैं स्वागत करता हूं आपका द टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे अटैक्स होते हैं जो कि हैकर्स किसी भी नॉर्मल यूज़र पर करते हैं, लेकिन आज हम जिस अटैक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मैन इन द मिडल अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें जब भी आप अपना डाटा किसी दूसरे यूज़र को सेंड करते हो तो वो डाटा रास्ते के बीच में ही किसी हैकर द्वारा चुरा लिया जाता है। चलिए दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक यूज़र ए है और एक यूज़र बी है, और जब यूज़र ए यूज़र बी की पब्लिक की पर कोई भी फाइल शेयर करेगा तो बीच में एक हैकर बैठा होगा, और जैसे ही फाइल यूज़र बी की पब्लिक की पर जाने लगेगी तो हैकर उसे हैक कर देगा, और हैकर उस फाइल को डिक्रिप्ट करके उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा, और फिर अगर हैकर चाहे तो उस इन्फॉर्मेशन को एडिट करके दोबारा वापस यूज़र बी तक भेज देगा। इस तरह से हैकर दोनों तरफ से आने वाली इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको मैन इन मिडल अटैक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।